told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to. Good morning, Radhe Radhe. तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मेरे घर के ना सारे काम निपट गए हैं. मैं नहा के भी आ गई हूँ, बर्तन हो गया, टिफिन हो गया, नाश्ता हो गया, बेटे का स्कूल हो गया. लेकिन देखो, मैं जैसे ही नहा कर आई ना, वैसे ही लाइट चली गई. मैंने सोचा कि नहा के मैं सेक लूँ, लेकिन लाइट ही चली गई. लेकिन बाहर धूप है, मैं बाहर धूप में बैठ के ना मटर छिलूंगी और लंच की तैयारी भी करूँगी, साथ में डिनर की भी तैयारी करूँगी, क्योंकि एक्स्ट्रा सब्जी बना के रख दे रही हूँ. हम तीन जने ही हैं तो ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा छील के रख देती हूँ, क्योंकि शाम तक के लिए मटर छील के रख दूँगी. मैं सोच रही हूँ कि कल पोहा भी बनाऊँ. मैं बहुत दिन हो गया, लेकिन आज धूप बहुत अच्छी निकली है, तो मैं बाल धो के नहा रही हूँ. धूप देखो गाइस, रुको मैं ऐसे दिखाती हूँ. देखो अच्छी निकल गई है, लेकिन लाइट चली गई है बदकिस्मती से. मेरे को तैयार भी होना है अभी. वैसे तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 10 बज रहे हैं और नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ. घर के सारे काम निपट गए हैं, झाड़ू लग गया, सफाई हो गई. आज पोछा नहीं लगाऊंगी, पोछा मैं लगाऊंगी कल. तो बाकी तो देखो घर के सारे काम निपट गए हैं, साफ़ सफाई सब हो गई है, बर्तन हो गया है. और आज मैंने नाश्ते में ना आलू के पराठे बनाए हैं, तो मैं चाय बना रही हूँ यहाँ पे अंधेरे में. देखो यहाँ पे आते ही पता नहीं क्यों सर्कल में ले रहा है. तो चलो मैं खाऊंगी आलू के पराठे और चाय, और मेरी चाय पत्ती भी ख़त्म हो गई है. और आपको एक बात बता दूँ, घर के मेरे सारे जितने भी सामान है ना, सब ऑलमोस्ट सब ख़त्म हो चुके हैं, कुछ बचा ही नहीं है. तो मेरे को आज या फिर कल जाके सारा सामान लेके आना. चलो मैं मटर छिल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ. पापा को मैसेज लिख दे, हाय गाइस, गुड आफ्टरनून. कभी कभी ना हमारा पानी वाला जो है ना, बहुत ज्यादा परेशान करता है, बहुत ज्यादा मूड की ना माँ बहन एक कर देता है पानी वाला. मैंने डब्बे भर भर के रख तो लिए हैं, लेकिन पानी वाले का कोई अता पता नहीं है, पता नहीं कब तक आएगा. और अभी दोपहर के बज रहे हैं 3:30, और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि आज जो है ना हम सबका हैवी नाश्ता हो गया था. उसके बाद मैं बर्तन भी धोऊंगी. उबला आलू रखा हुआ है. ये खाना मैं अभी के लिए नहीं बना रही हूँ, शाम के लिए बना रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सबका खाना पीना हो चुका है. मैं बनाने वाली हूँ आलू मटर की सब्जी. वन मिनट. तो मुझे ऐसा लगा ना कि कोई जैसे गेट पर आया हुआ है, तो इसकी वजह से मैं भाग के गई हूँ. तो आलू तो उबला हुआ रखा हुआ है, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरी खाने की इच्छा नहीं है. आलू के पराठे मैंने सुबह बनाए थे, और जो जो आलू उबले रखे हैं ना, उसी से मैं आलू मटर की सब्जी बनाने जा रही हूँ. और साथ में गाजर भी यूज करूंगी. फटाफट बनाते हैं खाना. तो ना दोपहर में ना मेरे को थोड़ा दोपहर बोल रही हूँ, शाम को ना मेरे को थोड़ी सी आलस आ जाती है काम करने में, तो इस वजह से मेरा काम जो है नहीं हो पाता है. शाम को मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है. शाम को अब मैं एक्स्ट्रा काम अपना जो है वीडियो वगैरह का काम करूंगी, इसीलिए मैं खाना जो है ना थोड़ा जल्दी बना के रख देती हूँ. और अभी बहुत सारी चीज़ें मेरे को ऑर्डर भी करनी है, तो वो भी करेंगे. लेकिन आज सब्जी जो मिल रहा है, मैं वही सब मिक्स करके मिक्स वेज बना देती हूँ. आलू मटर गाजर टमाटर, ये सब सारी सब्जी मिक्स करके मैं बना दूंगी, फटाफट हो जाएगा शाम को खाने के लिए. और सुबह जो है, मैं अब थोड़ी सी मौसम सही हो रहा है, तो मैं प्रॉपर दोनों को टिफिन दे रही हूँ, हैवी टिफिन दे रही हूँ. हस्बैंड की जो है ना कल तबीयत खराब हो गई थी, मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही रात को मेरी तबीयत खराब हो गई थी गाइस. मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ. एक्चुअली मेरे डेट्स चल रहे थे, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था. कल मैं 2 बार चक्कर खा के गिर गई थी घर में, और बेटा जो है अकेले था, तो बेचारे ने मुंह पे पानी वानी डाला मेरे, तो थोड़ा सा उसने फिर पापा को फोन करके अपने बुलाया कि मम्मी बेहोश हो रही है. बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है कभी कभार,
ऐसे सिचुएशन में ना जब आपकी हैवी ब्लीडिंग होती है ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं तो वैसे ही इतनी कमजोर हूँ, वैसे ही इतना सारा खाना खाती हूँ कि, और अब वीडियो वगैरह बनाने का मन नहीं करता है मेरा, बिल्कुल भी मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है मैं रोऊं गाऊं धोऊं, किसी को वीडियो पसंद तो वैसे भी नहीं करना है, तो बेकार है मेहनत करना गाइस। मन तो ऐसा करता है ना कि कभी कभी बस अब जिंदगी जीने का मन नहीं करता मेरा, सही बता रही हूँ मैं। मैंने हस्बैंड को भी बोल दिया कि मेरा जीने का मन नहीं करता, तो उन्होंने, उनको क्या लगा कि मेरे को पैसे एक बार मैंने उनको बोला था जब मेरी तबीयत खराब थी, तो उन्होंने पूछा था क्या हुआ, तो मैंने बोला मेरे शरीर में जो है ना पैसे की कमी हो गई है, तो उनको ना उस दिन की बात अभी तक याद थी और उन्होंने मेरे को पैसे दे दिए कि हो सकता है कि इसके शरीर में फिर से पैसे की कमी हो। एक्चुअली मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, तो जब मेरा शॉपिंग का स्किल खत्म हो जाता है ना तो मैं वैसे ही बीमार पड़ने लग जाती हूँ, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। चलो ये तो अच्छा हुआ कि मैं शॉपिंग कर सकती हूँ, लेकिन मैं छोटी मोटी चीजें नहीं खरीदूंगी, मैं कुछ हैवी चीजें खरीदना चाहती हूँ, वो आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगी। वैसे 500 रुपए में क्या ही आता है, कुछ नहीं आता फिलहाल। तो लो जी हमारे गाजर कट गए, आलू ऑलरेडी है ही, अब मैं प्याज का तड़का लगा देती हूँ, प्याज हरी मिर्च को मैं सब्जी इसलिए बना रही हूँ अभी ताकि मुझे जो है ना शाम को रिलैक्स मिल सके। शाम को मैं बिल्कुल काम करने में ना मेरे को आलस आता है, खासकर रोटियां बनाने में। अब मैं खाना बना के ना आराम से बिंदास लेट जाऊंगी और अपना फोन चलाऊंगी, ठीक है। और लेकिन बर्तन वर्तन सब धो के, अभी एक घंटे बाद मेरा बेटा फिर उठा देगा मुझे, मम्मी चाय बना दो, चाय का टाइम हो गया है। उसका डेली का है, जहां 4-5 बजेगा ना उसको चाय चाहिए होती है, मम्मी चाय का टाइम हो गया है चाय बना दो। अरे मम्मी ना मंदिर का घंटा हो गई है, जो जो भी आता है ना बजा के चला जाता है। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ, इतना दुखियाली हूँ ना लोगों से कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज्यादा दुखियाली हूँ मैं। एक तो इतनी सारी परेशानी है ना, परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन सब अपनी परेशानी बताने वाले इस दुनिया में ना बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अपना परेशानी तो सॉल्व हो ही नहीं रहा, दुनिया की परेशानी कहाँ से सॉल्व करे, लोगों को पता नहीं क्या ही लगता है हमारे बारे में। पहले अपने घर की परेशानी सॉल्व करेंगे, अपने घर की चीजें सॉल्व करेंगे, या दूसरों के घर की परेशानी सॉल्व करें, लोग सोचते भी नहीं है कोई चीज बोलने से पहले। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में ना बहुत सारे दुख देखे हैं, मैंने मेरे हस्बैंड ने मिलके बहुत सारे दुख देखे हैं, मेरे और मेरे हस्बैंड के दुख में कभी कोई शामिल नहीं हुआ है। तो मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत सीधे हैं, वो चीजों को ना भूल जाते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में कितने दुख देखे, वो भी अकेले। हमें भी ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलती थी ना, लोगों के इतने ताने सुनने को मिलते थे ना, जितने हमने जिंदगी में सुख देखे हैं ना उससे कहीं ज्यादा हमने जिंदगी में दुख देखे हैं, वो भी अपनों के थ्रू, कोई बाहर के लोगों के थ्रू नहीं, अपनों के थ्रू, जिसे हम अपना समझते, अपना परिवार समझते, अपने लोग समझते हैं गाइस। उन्होंने हमें ऐसी ऐसी कड़वी कड़वी भी बातें सुनाई है ना कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मैं अभी सोचती हूँ ना तो मेरे को रोना आ जाता है कि कभी कोई नहीं हमारे लिए बोला है, कभी किसी की जुबान तक नहीं खुली है कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है ना, उसे तो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती हूँ और भूलना भी नहीं चाहिए। जितना आप याद रखोगे ना आपके लिए फायदा रहेगा, ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि हाँ इस बंदे ने, अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना कम से कम उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठा सकते हो, लेकिन कुछ लोग तो आवाज़ भी नहीं उठाते हैं। चलो हो रहा जो होने दो, तो हम अपने दिन नहीं भूले हैं कभी भी, ना दुख के ना किसी और चीज के, ना तो भी सब्जी ना एक नंबर की बनती है कुकर में, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है कुकर में, चाहे कैसी भी सब्जी बना लो, जिसको सब्जी ना भी बनाने आए ना वो भी बना के एक बार ट्राई कर लो, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। और मेरे को आदत है ना सब चीजें धो धो के डालने की, तो इसलिए मैं एक एक चीज धो धो के डाल रही हूँ, मिर्ची हो, प्याज हो, अदरक हो, लहसुन हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। बहुत दुख देखे हैं मैंने अपनी जिंदगी में, बहुत दुख देखे हैं, सुख भी, सुख कम देखे हैं, दुख ज्यादा देखे हैं, ठीक है। अपनों को खोने का दुख क्या होता है, जब इंसान बहुत ज्यादा दुख में होता है तो
अपनों को कैसे याद करता है, फिर वही अपने लोग बोलते हम क्या करें, हम क्या करें, तुम्हारी परेशानी है, हम क्या करें। जिसने शादी करी है वो झेले ना, है ना। ऐसे बहुत सारे दुख देखे हैं गाइस मैंने अपनी जिंदगी में। रुक जाओ मैं मसाला पीस के फिर आती हूँ। आज तक कभी कोई ये नहीं पूछता कि तुम किराए पे रहते कैसे हो। तुम्हें जिस महीने किराया देना होता है 10 तारीख को, अगर पैसे ना हो तो आप दोगे कहाँ से पैसे। मकान मालिक तो खोपड़े पे खड़ा रहेगा ना। किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि तुम्हारा किराया जाता कैसे है। सोचो हम तो किराए पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और जिनके पास है उनका कोई वो ही नहीं है, और जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं उससे दुनिया उम्मीद लगा के बैठती है। भाई हम तो दर दर के सच में ठोकरें खा रहे हैं भाई, आज यहाँ कल कहीं और। भाई हमारे साथ तो हमारे देखो बच्चे हैं, दो दो बच्चों को पालना है, बच्चों की शादियां करवानी है, वो तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, अभी बेटी का एडमिशन है मार्च में, कोई एक बार सोच के तो देखे कि कैसे हमारा घर चलता है। वो कोई पूछने नहीं आता, लेकिन पता है अच्छा पहनना अच्छा खाना वो सबको दिखता है, लेकिन मेहनत कभी किसी को नजर नहीं आती कि मेहनत कितनी होगी। कभी कोई किसी का मेहनत देखने नहीं आता है। तो सारे मसाले मैं इसी में भून ले रही हूँ। भाई आज का जमाना ऐसा ना, इंसान अपने परिवार के लिए कर लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी वाली बात होती है। इतनी महंगाई में किराए पे रहना, 10,000 रुपये किराया जाना प्लस 2,000 से 2,500 रुपये बिजली का बिल, कोई आसान बात नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। चलो मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि भगवान देने वाला बनाए, हाथ फैलाने वाला ना बनाए कभी किसी के सामने, हमेशा देने वाला ही बनाए भगवान। जिस किसी को भी बनाए कि आप लोगों की मदद कर सको, दे सको, किसी के आगे हाथ फैलाने वाला भगवान ना बनाए। हाँ आई थी हमारे साथ भी ऐसी स्थिति आई थी, जरूरत पड़ी थी हमें भी, तो लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया था मदद के लिए। भाई देखो मेरा आदमी सारी चीजें भूल जाता है, लेकिन औरत नहीं भूलती है। औरत के दिमाग में कहीं वो बहुत सारी चीजें ना घर कर जाती है। एक बार तो आटे की बहुत टेस्टी बन जाएगी, कुछ ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है इस सब्जी को। और कुकर लगाते ही सीटी हो जाएगा, क्योंकि आलू ऑलरेडी उबले हुए थे तो प्याज ज्यादा लाल नहीं हुआ था, तो थोड़ा सा मीठा मीठा लग सकता है, मटर के साथ थोड़ा सा मीठा ही लगता है। बिल्कुल भी ये वीडियो डालने का मेरा मन नहीं था, लेकिन मैं डाल रही हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि सुन के ना दिमाग में भर कर जाता है वो कहीं ना कहीं। अभी 2 महीने की फीस इकट्ठी जाएगी, क्योंकि एग्जाम होने के बाद स्कूल बंद हो जाएगा, तो ये जनवरी और फरवरी 2 महीने की फीस 4,500 रुपये जाएगा। 4,500 रुपये कहाँ से लाए, अपने बच्चे का फीस भरे या दुनियादारी को देखे, मैं तो यही समझ में नहीं आता। ये कैसे बताएं हम लोगों को कि भैया हमारे बच्चे का फीस जाना है, और उसके बाद स्कूल खुलेगा, पता है कितने पैसे चाहिए होंगे स्कूल, जब नेक्स्ट स्कूल खुलेगा तो 25,000 से 30,000 रुपये चाहिए एडमिशन के लिए, क्योंकि बताने की जरूरत तो है नहीं आप लोगों को कितनी महंगी फीस होती है। ठीक है, 25
25 से 30,000 रुपए चाहिए ही चाहिए। अपना तो कर ही नहीं पा रहे हैं, मैंने कटोरे में भर भर के रखा है कि पानी वाला अभी तक आया नहीं है। गाइस मैं यही दो, मेरे पास पानी का ऑप्शन है और इन्हीं से दो, मतलब मुझे पानी चलाना भी है। सोचो शाम तक इतना परेशान करता है हमारा पानी वाला कभी कभी, बहुत ज्यादा। कल से फोन करा हुआ है, अभी तक पानी लेके नहीं आया। बताओ, ये थोड़े से बर्तन है, मैं इनको धो के, और मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है इन सब कचरों में पड़ने की। सिंपल सी बात है, मेरा नेचर अलग है, मैं ज़्यादा रिश्ते नहीं बनाती हूँ, ज़्यादा भीड़ में रहना पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है। बहुत अर्जेंट होता है जिससे हस्बैंड खुश हो जाए, उस वो चीज़ें करती हूँ, वो भी हस्बैंड की खुशी के लिए। बाकी मेरे को सच बताओ, मेरे को कोई रिश्ता पसंद नहीं है, डैट्स इट। कोई भी रिश्ता जो कि आपके दुख में आपकी मदद ना कर सके लेकिन आपके दुख में खड़ा जरूर हो, ऐसे रिश्ते बनाओ गाइस, जो कि आपके दुख में आपको लगे कि हाँ, अगर आपको बगल में खड़ा हुआ भी दिख जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ आपका कोई है, ठीक है। झूठे रिश्ते मत बनाओ, गिने गिने चुने रिश्ते बनाओ, लेकिन जो वाजिब रिश्ते होते हैं ना, उन्हें बनाओ, ठीक है। मेरा तो ऐसे ही है भैया, मेरे को तो सच पूछो तो हस्बैंड की खुशी के लिए ही मैं कोई चीज करती हूँ तो करती हूँ। बाकी जिन रिश्तों में एक बार मेरे लिए खटास आ गई, वो रिश्ते मेरे लिए जुड़े ना जुड़े एक बराबर है, मेरे को फिर वो मायने नहीं रखता इतना कुछ, ठीक है। देखो मेरे पास सब्जी का मसाला सारा कुछ भी नहीं था, फिर भी इस सब्जी को मैंने बहुत अमेजिंग तौर पे बना दिया है। और अब मैं लगाने वाली हूँ कुकर की सीटी। बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। देखो गाइस शाम की सब्जी तो बन गई है, मैंने बर्तन भी देखो सारे मांज दिए हैं, कुछ बचा नहीं है, सिर्फ बेटे का टिफिन है। ऑलमोस्ट मैंने सारे काम डन कर दिए हैं, एक बार आप देख लो, ठीक है। कुकर में सीटी लगा दी है, बेटा वहाँ पे अभी कपड़े वपड़े चेंज करके रेस्ट कर, कपड़े चेंज कर लिए बेटे। ये थोड़े से मटर बचे हैं हरे, तो मैं इनको, ओ कल का दूध बचा, ये खराब तो नहीं हो गया होगा, पता नहीं। तो कल का दूध बचा हुआ है 1 कप। हाँ तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे को जो है ना, झूठे रिश्ते पसंद नहीं है, रिश्ते गिने चुने हो लेकिन आपके दुख में खड़े हुए आपको कम से कम मदद ना कर सके, पैसे से या किसी और चीज़ से, लेकिन आपके दुख में आपके कंधे से कंधा मिला के कोई खड़ा रहे तो वो आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ। तो देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं। बच्ची बोल रही, छोटी सी बच्ची बोल रही, फोटो खिंचाए लो, फोटो फोटो खींच रही है दीदी। खोपड़ी जो है ना मेरी, बहुत ज्यादा खराब है, क्या करूं, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। मन तो ऐसा कर रहा है ना, यकीन मानना गाइस, आप विश्वास नहीं करोगे, मजाक की बात नहीं है, शॉर्ट्स वीडियो की बात नहीं है, सच में ना, अब जिंदगी जीने में मज़ा नहीं आ रहा है मुझे। खासकर अपना पर्सनल बताऊं तो मुझे ज़िंदगी जीने में ना बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है।
कुछ चीज़ें जब मेरे मन के मुताबिक नहीं होती है ना, तो मेरा जो है या तो झगड़ा हो जाता है हस्बैंड के साथ, या तो फिर मेरा मूड ऑफ हो जाता है, डेट्स इट। दो चीज़ होती है मेरे साथ। कुछ चीज़ों को लेके जब ज़्यादा बहस हो जाती है ना, तो फिर मूड ऐसी हो जाता है कि या तो मर जाओ या तो मार दो। मेरा तो एक ही फंडा है, मैं जब ज़्यादा दिक्कत में रहती हूँ ना, तो मुझे बस ऐसा लगता है या तो खुद मर जाओ या तो सामने वाले को मार दो, एक ही है। कौन सा कीड़ा होता है ना, वो अपने बचाव के लिए सबसे बड़ा डाउन मूवी आ रही है। हाँ बेटा, तो जब उसे अपने ऊपर खतरा लगता है ना, तो या तो वो मर जाएगा या तो फिर वो सामने वाले कीड़े को, जानवर को मार देगा। तो हर कोई अपने बचाव में कुछ ऐसे ही सोचता है। यार ये मधुमक्खी कहाँ से आ रही है इतनी सारी? मधुमक्खी थी, अभी तो काट लेती किसी को पैर पड़ता तो। कल मैंने टमाटर की चटनी बनाई, किसी को भी पसंद नहीं आई। अभी कुकर सीटी ले लेगा ना, तो मैं इसमें धनिया पत्ती डाल दूंगी और ये सब्जी जो है ना नेक्स्ट लेवल की तैयार हो जाएगी। मेरी सांसें फूल रही है गाइस, हकीकत बता रही हूँ यार गाइस। सही मतलब जिंदगी ना एक तरह से ना ऐसी हो गई है, झंड टाइप की हो गई है। बस जिंदगी में कोई रोमांच नहीं बचा। हटियो भाई, साइड हो गया सेकंड, हाथ पूरा एकदम चिल्ड हो रखा है। तो जिंदगी में ना कोई रोमांच नहीं बचा है। अब ऐसा ही मन करता है कि बस मर जाओ या मार दो सामने वाले को। बैठे ही बैठे मेरा दिल खो गया। आज ज्यादा बड़ी वीडियो मैं नहीं डालूंगी। आज देखो मैंने ये वाला ना कान का पहना है, ये बहुत सुंदर है गाइस, ये सच में बहुत सुंदर लग रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा। दो सीटी में अपना काम हो जाएगा। रस्सा नहीं चाहिए, मतलब ग्रेवी नहीं चाहिए, ड्राई चाहिए। तो अगर एक्स्ट्रा भी सीटी हो जाएगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं सोच रही हूँ कि एक कान यहाँ पे भी छिदवा लूँ, एक दो तीन चार। तो मैंने पियर्सिंग कराई लिया है, देखो एक दो और छिदवा लेती हूँ, है ना। यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया। आज मैं इसको चेंज करने गई थी तो थोड़ा सा पेन हो गया, तो मैंने छोड़ दिया। ये वाली मैंने यहाँ पहन ली, ये वाली मेरे को यहाँ पहननी थी। कुछ भी होता है भाई, कुछ भी। चलो मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ। आज मैंने फिर से बनाया न्यू ब्रेड, कैसे दिखाऊँ, ये देखो। तो कैसे लग रहे हैं मुझे बताना। आज मैंने दो इधर चार बनाए हैं, एक मैं इधर बनाऊंगी कल, तो तीन तीन हो जाएंगे। अरे यार, बैठे ही बैठे मेरे को। ये कुकर मुझको सीटी मार है। बन गई गाइस सब्जी। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि अब मेरे को आ रही है बहुत गंदा वाला नींद। मैं सोऊंगी और उठूंगी उसके बाद ही कुछ करूंगी, पहले मेरी नींद ज़रूरी है। बाय बाय, गुड इवनिंग, राधे राधे। तो ना चाय पत्ती मैं मंगाना भूल गई, तो मैं अपने घर के सामने वाली दुकान से जा रही हूँ। देखो वो हमारी गली में एक छोटी सी दुकान है, तो वहीं से जो है मैं अंधेरा हो गया क्या, चाय पत्ती लेकर आने जा रही हूँ। कौन छुप के खड़ा है, तो मैं फटाफट जा रही हूँ लेके आऊँगी चाय पत्ती। बस ऑलमोस्ट पहुँच गई हूँ क्योंकि हस्बैंड गुस्सा हो गए थे। हर बार की तरह मैं फिर भूल गई एक चीज़ मंगाना, कुछ ना कुछ तो मैं भूल ही जाती हूँ। मेरी किस्मत ही ऐसी है, फूटी पड़ी है, तो मैं कुछ ना मेरे से रह जाता है। तो देखो ये आगे दुकान बिल्कुल पास में ही है, लेकिन मैं हाफ गई हूँ। चलो मैं चाय पत्ती ले लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो गाइस मैंने एक ही लिया है, छोटू सा। मेरे को शर्म आ रही है क्योंकि हमारा सामान जो है ना स्टोर से आता है और इकट्ठा सामान आता है,
तो एक दो चीज़ें मैं वैसे लेने के लिए नहीं जाती। देखो मेरे ठीक पीछे ना दुकान है, तो अर्जेंट के लिए तो सही है, लेकिन मैं जाती नहीं हूँ कोई सामान लेने के लिए वहाँ पे स्टोर पे, तो इसलिए मुझे ना अजीब सा लगता है। लेकिन ये एक्चुअली नहीं लेकर आऊँगी ना तो बेटे को ना सुबह चाय के लिए दिक्कत हो जाएगी, इसको स्कूल जाना होता है सुबह सुबह, हस्बैंड जाएंगे नहीं, और इस टाइम भी वो लेने के लिए नहीं गए हैं, तो मैं ये भाग के गई हूँ लेने के लिए। चलो मैं घर पहुँच गई हूँ। ओके गाइस, अभी मौसम ठीक है, ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन दोपहर में बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ी थी कड़ाके वाली। चलो मैं घर पे पहुँच गई, फिर मिलती हूँ। शर्म तो आ रही थी, लेकिन फिर कल स्टोर से सामान भी तो आना है, इसीलिए मैंने नहीं लिया। नहीं यार, चाय पत्ती अच्छी नहीं होती इनकी दुकान पे, यही सारे लोकल चाय पत्ती होती है जो कि मेरे समझ में नहीं आती 5-10 वाले। तो गाइस मैंने पूजा कर लिया है, और आज हमारे गोपाल जी का ना गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा था, तो उन्होंने मंगवा लिया गुलाब जामुन। मन में आ रहा था कि बोलूँ, मैंने बोला भी नहीं, और हस्बैंड जो है ना खुद ही लेकर आए। तो मैंने अक्सर देखा है, जो कहते हैं ना पावर ऑफ गॉड, तो वो कहीं ना कहीं सच ही होता है। भगवान की जो मर्जी होती है ना, वो भगवान खुद से कैसे भी ना करके करा ही लेते हैं। तो उनका मन होगा खाने का गुलाब जामुन। मेरी सांसें चल रही है क्योंकि मैं भाग भाग के गई हूँ, और क्या हो गया यार, डेरी तो यहीं टिक जाता है आज की ना फिक्र। सब्जी तो मैंने आपको बता ही दिया कि हाँ मैं सब्जी में क्या बनाया है, फटाफट रोटियां बनाने जा रही हूँ, और इनको पीना है दूध, तो मैं साथ के साथ दूध भी उबालूंगी। मेरे दूध का बर्तन तो खाली ही नहीं है, मेरी सांसें दम ना चल गई है बहुत ज़्यादा। लो जी, दूध का कटोरा भी खाली हो गया, हमने कर लिया पानी खाली, ये हम निकाल देते हैं। किसी एनिमल्स को, डॉग वगैरह को डालने के लिए। देखो गाइस, बगल में दुकान खुलने का एक फायदा हुआ कि अर्जेंट में कोई भी चीज ना भाग के इंसान लेके आ सकता है, बस ये है। अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है कुछ बनाने खाने का। तो मैं ये एक थैला दूध उबालूंगी, क्योंकि हमारे घर में कभी कभी ना 2 किलो भी दूध आ जाता है, वो भी पता नहीं चलता है कहाँ गया, क्योंकि अगर दिन में कुछ बन गया, खीर बन गया, ऐसे में ही बन गया, तो उसमें आपको पता ही है कि दूध ज्यादा लगता है। बेटी रोटियां बनाती थी ना, रोटी बनाने की पता आदत छूट गई है मेरी, और अब रोटी बनाती हूँ ना तो मेरी सांसें से फूलने लगती है। क्या है यहाँ पे, तो ना मेरी सांसें जो है हाथ में ज्यादा, कंधों में ज्यादा दर्द होने लगता है, रोटी की आदत छूट गई ना मेरी। बैठ जाती थी खाना लेके, मस्त फूली फूली रोटियां खिलाती थी। मेरे तावे, चलो गाइस रोटी बना के मिलती हूँ, बाय।